नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BLS वर्ग पे। और दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी कार आपको लेनी चाहिए, पेट्रोल में लेनी चाहिए या डीजल में लेनी चाहिए, कौन सी कार आपके लिए बेस्ट है, आपके जो सारे डाउट है वो क्लियर करेंगे आज इस वीडियो में। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और ऐसे ही और व्लॉग देखने के लिए BLS व्लॉग को सब्सक्राइब करके और बराबर में जो दोस्तों बेल आइकन आता है उसको दबा लीजिए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन आता है दोस्तों वो सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाके फॉलो कीजिए और डायरेक्ट मैसेज कीजिए मुझे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जब आप एक कार लेने की सोचते हैं और जब आपको ये कन्फ्यूज होता है कि आप पेट्रोल की कार लें ये डीजल की कार लें, तो दोस्तों आपके सामने तीन टॉपिक होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपके लिए बेस्ट पेट्रोल की कार है डीजल की कार है। तो जो पहला टॉपिक है दोस्तों वो है कार की वैल्यूएशन कॉस्ट, की कार कितनी रेट की है। दूसरा जो टॉपिक होता है दोस्तों वो होता है आपके जो कार का रनिंग कॉस्ट। और तीसरा जो टॉपिक होता है दोस्तों वो है मेंटेनेंस कॉस्ट। यही तीनों डिसाइड करते हैं कि आपके लिए बेस्ट कार कौन सी है। दोस्तों सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण लेते हैं स्विफ्ट VDI और स्विफ्ट VXI। VDI डीजल में आती है और VXI पेट्रोल में आती है। तो दोस्तों जो स्विफ्ट VDI है उसकी जो ऑन रोड प्राइस है दोस्तों वो आज की डेट में ऑलमोस्ट 7,90,000 रुपए की है। वहीं पे बात करें स्विफ्ट VXI की तो उसकी जो ऑन रोड प्राइस है दोस्तों वो है 6,60,000 रुपए की। इसका मतलब है कि यदि आप डीजल की कार लेते हैं तो आपको 1,30,000 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। और दोस्तों जो दूसरा जो टॉपिक है वो है रनिंग कॉस्ट। मिनिमम एवरेज मान लेते हैं कि स्विफ्ट VXI आपका जो पेट्रोल वर्जन है वो देता है 15 का एवरेज और जो VDI है डीजल में वो देती है 20 का एवरेज, ठीक है। अब आप ये मान के चलिए कि मंथली आपके 1500 किलोमीटर गाड़ी रनिंग होती है, 1500 में पेट्रोल के हिसाब से 100 लीटर पेट्रोल चाहिए आपको और वहीं पे डीजल के हिसाब से डीजल वाली में आपको 75 लीटर डीजल चाहिए। तो उनकी जो कॉस्ट आ रही है दोस्तों वो आ रही है 100 लीटर इंटू 80 रुपए लीटर है आज पेट्रोल, तो 8,000 रुपए की पर मंथ की कॉस्ट आ रही है आपकी VXI की। और दूसरा जो है डीजल वर्जन उसके हिसाब से देखिए तो दोस्तों डीजल की रेट है 73 रुपए लीटर, 75 लीटर आपको एक महीने में डीजल चाहिए तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद में आता है 5475 रुपए, मतलब 5500 रुपए मान लिया। तो दोनों में जो डिफरेंट रहा दोस्तों वो रहा 2500 रुपए का। इसका मतलब है कि आप डीजल की गाड़ी लेके 2500 रुपए मंथली बचा सकते हैं। यदि बात करें ईयरली साल भर की तो साल भर में आपके 30,000 रुपए बचते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों 1,30,000 कवर करने के लिए आपको 4 साल से भी ज्यादा का समय चाहिए, तब आप जाके उसकी जो कॉस्ट आपने जो ज्यादा दी है उसको आप कवर कर पाते हैं। और दोस्तों यदि आपकी रनिंग सिर्फ 15-20 किलोमीटर पर डे है, मतलब 500-600 किलोमीटर मंथली एवरेज लेके चलते हैं, तो आप जो डीजल की कार लेते हैं और उसकी जो कॉस्ट ज्यादा देते हैं वो आप दोस्तों 10-20 साल में भी कवर नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों तीसरा जो टॉपिक है वो है मेंटेनेंस का। तो दोस्तों सबको पता है कि पेट्रोल से ज्यादा मेंटेनेंस डीजल कार का आता है, परंतु दोस्तों बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। ऑलमोस्ट 20-30% कॉस्ट आपको ज्यादा देनी पड़ती है डीजल की मेंटेनेंस में। सपोज दैट कि पेट्रोल की कार में यदि 10,000 रुपए में आपका मेंटेनेंस हो जाता है तो उसके अंदर आपको 12-13,000 रुपए देने पड़ते हैं डीजल की कार में। तो ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गए दोस्तों। तो दोस्तों उदाहरण से आपको कुछ तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि बेस्ट कार कौन सी है आपके लिए, पेट्रोल की या डीजल की। तो दोस्तों यदि आपकी रनिंग 1500 किलोमीटर पर मंथ या इससे ज्यादा की है तो बिना डाउट के आप डीजल कार ले सकते हैं। और यदि आपकी रनिंग 50 किलोमीटर से अंदर है, 10 किलोमीटर पर डे या फिर 20 किलोमीटर पर डे, मतलब 500-600 किलोमीटर मंथली, तो आपको पेट्रोल कार ही लेनी चाहिए। डीजल कार लेना आपका गलत डिसीजन हो सकता है। दोस्तों जब भी आप कार ले और आपको ये कंफ्यूज हो तो आप सीधा सा सिर्फ इतना सोचिएगा कि आपकी जो पर डे की रनिंग है, मंथली रनिंग है, वो कितनी है। यदि ज्यादा है तो आप बिना डाउट के डीजल की कार लीजिए, और ज्यादा नहीं है तो पेट्रोल और डीजल की जो रेट है उसको सोच के डीजल की कार मत लीजिएगा। आपके लिए बेस्ट पेट्रोल कार ही रहेगी, इससे आपका मेंटेनेंस भी कम आएगा और आपको वैल्यू भी कम देनी पड़ेगी, इसी में आपका फायदा रहेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।